नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। बिग बॉस 17 में एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ है। घर में लड़ाई झगड़े होना आम बात है, लेकिन इस बार बात हाथापाई तक पहुंच गई है। जी हां, अभिषेक कुमार ने नेशनल टीवी पर कंटेस्टेंट सामर्थ जुरेल पर हाथ उठा दिया है। हालांकि इसके बाद उन्हें बिग बॉस 17 से बाहर भी किया जा सकता है, जो अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। अभिषेक कुमार और समर्थ जुलेल के बीच अक्सर झगड़े और बहसबाजी होती है, लेकिन बात कभी भी फिजिकल फाइट तक नहीं पहुंची। बिग बॉस 17 में ईशा मालवीय, उनके बॉयफ्रेंड समर्थ जुलेल और एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक अक्सर चर्चा बटोरते हैं। शो में इस लव ट्रायंगल ने दर्शकों को कई बार हैरान किया है। आपको बता दें, तीनों के बीच अक्सर अनबन होती रही है, लेकिन इस बार ईशा और सामर्थ ने हद पार कर दी है। अभिषेक कुमार को उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ईशा और सामर्थ ने मिलकर परेशान किया। दोनों ने एक्टर को हाथापाई करने के लिए खूब उकसाया। बहसबाजी के दौरान सामर्थ अपनी हद भूल गए और अभिषेक के पिता को लेकर उन्हें उल्टा सीधा कह दिया। फिर भी अभिषेक ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। सामर्थ ने अभिषेक पर कमेंट करते हुए कहा कि अपने दिमाग का इलाज बीच में छोड़कर आ गया है, बाप का गटर छाप बेटा। इसके अलावा भी सामर्थ ने अभिषेक के पिता को काफी कुछ कहा। वहीं दूसरी तरफ ईशा ने भी उन्हें खेल लिया। एक्टर ने अभिषेक को बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए भी खूब उकसाया। इस बीच सामर्थ ने पीछे से अभिषेक के ऊपर कंबल फेंक दिया। आपको बता दें, अभिषेक कुमार ने इतना सब्र होने के बाद भी खुद को शांत बनाए रखा है, लेकिन उनके सब्र का बांध तब टूट गया जब ईशा के साथ बहसबाजी के बीच सामर्थ ने उनका मजाक उड़ाने लग गए। अभिषेक अपना आपा खो बैठे और सामर्थ को थप्पड़ जड़ दिया, जिसे देखकर बाकी के लोग हैरान रह गए। अरुण, अंकिता और औरा के तो होश ही उड़ गए। बता दें, बिग बॉस 17 में सामर्थ ने अपनी एंट्री के साथ अभिषेक से पहले ईशा मालवीय को छीना। उसके बाद इनके बीच ईशा को लेकर कई बार लड़ाई हुई, लेकिन अब तो सामर्थ ने हद कर दी, सीधे अभिषेक के फैमिली पर अटैक कर दिया। ऐसे में बेचारा अभिषेक सामर्थ को थप्पड़ ना मारता तो क्या करता? आपको क्या लगता है, अभिषेक ने बिग बॉस के घर में सामर्थ को थप्पड़ मारकर सही किया या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।